अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। तो जी अभी हो रही है इस्त्री कल के लिए। कल है वलीमा, आप लोगों को जैसे कि बताया है मैंने, आज है सैटरडे, कल है संडे, तो कल है वलीमा। तो जो है वो इस्त्री को निपटा रही हूँ जी। मैंने सोचा कि चलो आज इस्त्री कर लेती हूँ, आज कुछ ख़ास काम भी नहीं थे। शाम में हमने जाना है जी, सिर्फ आर्ट काउंसिल में जाना है ड्रामे के लिए, बाकी उसके अलावा कुछ ख़ास काम नहीं था। तो सोचा पहले इस्त्री करके रख देते हैं कपड़े, ताकि कल फिर काम कम हो। तो ये हो रहा है जी, गुड़िया का शरारा। इस्त्री गुड़िया मैडम जो है वो शरारा पहनने वाली हैं जी। गुड़िया का हो रहा है जी शरारा। इस्त्री गुड़िया को देती जा रही हूँ, गुड़िया जो है अंदर रखती जा रही है कपड़े। अब लपेट के नहीं रख रहे, लपेट के रखेंगे तो इस्त्री ख़राब हो जाएगी, इसलिए गुड़िया को देती जा रही हूँ, गुड़िया रखती जा रही है कपड़े। तो सबसे पहले कह रही है मेरा शरारा इस्त्री करेंगी, तो मैं सारे कपड़े रखूँगी। इसलिए जो है मैडम का पहले शरारा इस्त्री हो रहा है। ठीक है, और ये जी इस्त्री, पांच लोगों के माशाल्लाह कपड़े हैं हमाद के, और इनकी तो सिर्फ एक एक शर्ट है, बाकी हमारे जो है वो माशाल्लाह से पूरे पूरे सूट हैं। और इस तरह से फैंसी कपड़े जो है वो इस्त्री करना और मुश्किल होता है, और जो है वो एहतियात की भी ज़रूरत होती है, वरना अक्सर कपड़े जो है वो जल जाते हैं इस्त्री में, क्योंकि कपड़े जो है ना कुछ अलग अलग उसके स्टफ़ के होते हैं। घर के कपड़े जो इस्त्री करना आसान होते हैं, वो तो लॉन कॉटन के कपड़े होते हैं तो वो ईजी होते हैं, मगर यहाँ ये जो कपड़े जो है ना शादियों वादियों में पहनने वाले कपड़े जो है ना, इनके लिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, तो जो है वो एहतियात से इस्त्री करनी पड़ती है। ये देखें जी मैडम रखती जा रही हैं इस्त्री कपड़े। ये राजी मैडम का दुपट्टा, ये जी मैडम के दुपट्टा नेट का है इसका, ये ना शरारा, तो दुपट्टा बिल्कुल हल्का है, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्के से इस्त्री रखी हुई है कम टेम्परेचर पे, ताकि कपड़े जले नहीं। अक्सर जो है ना ये हादसा पेश आ जाता है, अक्सर हमारे साथ भी कई दफ़ा हुआ है। तो ये है जी, ये सुहाई का सूट है जी, मैं और सुहाई जो है वो एक जैसे सूट पहनने वाले हैं जी, जो हमने मेरी नंद के वलीमे में पहने थे, उनके वलीमे में जो लिए थे ना, वही वाला सूट है, वही वाला दो सूट हैं एक जैसे, तो हम यही पहनने वाले हैं। ये इनकी शर्ट मैंने इस्त्री कर दी, इनकी शर्ट जो है वो न्यू जो लाए थे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग्स में, तो उसमें से मैंने ये ग्रीन वाली शर्ट जो है वो प्रेस कर दी है। हमाद भाई की चेयर से ये शर्ट लाए थे, ये भी आप लोगों ने देखी होगी, तो हमाद भाई की शर्ट भी इस्त्री कर दी है जी। पैंट तो वैसे भी इस्त्री हुई भी होती हैं, पैंटों का इतना मसला नहीं होता। खैर जाए
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। जी आज स्वाई आई है हमारे साथ और स्वाई ऐसे हमें आज सीढ़ियों पे बैठना पड़ा। कैसा लगा ड्रामा अनारकली से आगे? वैसे कुछ बोले ना वैसे किन सोचों में घूमे? मैं ड्रामा देख के आया हूँ, इतना सीरियस ड्रामा था तो सोचना तो पड़ेगा। हाँ ये बात तो फंसे अनारकली से आगे हम समझे कोई अनारकली दिखेगी। हाँ वही आटा वाला काम हुआ। ये तो लाहौर की अनारकली की बात हो रही थी, 1928 की बात हो रही थी। दोबारा ड्रामा बहुत अच्छा था, दो लोगों पे था, दो लोगों की पूरा एक घंटा उन्होंने अपना मतलब परफॉर्म किया माशाल्लाह ज़बरदस्त। सिख हिंदू मुसलमान 1928 का वाकया दिखाया हुआ, तो दोबारा बहुत मज़ा आया। लेकिन रश इतना था कि आज हमें सीढ़ी में बैठना पड़ा। सीढ़ियों में बैठना पड़ा। टिकट्स दिखा देंगे भाई, कौन सा ड्रामा था आज? नारकली से आगे ड्रामा। ठीक है आज लास्ट था ना हमारा, हमारा आज लास्ट ड्रामा था। हमने देख लिए, अब कल इंशाल्लाह वली में मिलते हैं आपके। दानियाल अरफ साहब के वली में इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तो आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, तो चलो जी चलते हैं घर। अमाद और गुड़िया आज घर पे बैठे हैं जी। अरे एक घंटे का ही ड्रामा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता, एक घंटा ही होता है ना। और हमारे घर के करीब है तो टेंशन नहीं होता। फिर से गुड़िया लोग घर पे बैठे रहते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती।